सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को और नए वीडियोस की जानकारी पाइए सबसे पहले। दोस्तों अगर आप यूज करते हैं कंप्यूटर फिर लैपटॉप तो आपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप में सी ड्राइव जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो कंप्यूटर में जो लेटर यानी ड्राइव का नाम शुरू होता है वो हमेशा सी ड्राइव से ही क्यों शुरू होता है, ए या फिर बी ड्राइव से शुरू क्यों नहीं होता? तो आज आप ये वीडियो देखते रहिए, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आखिर में जो विंडो का ड्राइव होता है वो बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव ही क्यों होता है, ए या फिर बी क्यों नहीं होता। हेलो दोस्तों, मैं वरुण सरवा आपका स्वागत करता हूँ टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, जब भी आप कोई एक नया कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम लेते हैं और उसमें किसी भी तरह का विंडो इंस्टॉल करते हैं या फिर कोई भी आप एक अलग से हार्ड डिस्क लेते हैं और उसका पार्टीशन करते हैं या फिर उसमें विंडो इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे जो ड्राइव का नाम शुरू होता है वो हमेशा सी ड्राइव से ही शुरू होता है, ए या बी ड्राइव से शुरू नहीं होता। तो आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, पुराने समय में जब हमें अपना कंप्यूटर सिस्टम रन करना होता था तो हमें एक एक्सटर्नल डिवाइस की जरूरत पड़ती थी जिसका नाम था फ्लॉपी डिस्क। अगर आपके पास फ्लॉपी डिस्क है तो आप कंप्यूटर को चला सकते थे, या फिर अगर आपको किसी भी तरह का डेटा स्टोर करना होता था तो वो आप फ्लॉपी डिस्क के अंदर कर सकते थे। अगर आपके पास फ्लॉपी डिस्क नहीं है तो ऐसे में आप कंप्यूटर रन भी नहीं कर सकते थे, ना ही उसमें किसी भी तरह का डेटा सेव कर सकते थे। तो इस फ्लॉपी डिस्क को कंप्यूटर में एक ड्राइव की तरह यूज किया गया, ये सबसे पहला ड्राइव था इसलिए इस ड्राइव का नाम ए रखा गया। उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई उसके बाद एक और फ्लॉपी डिस्क यानी एक दूसरे टाइप का फ्लॉपी डिस्क आया जिसे भी एक ड्राइव की तरह कंप्यूटर सिस्टम में यूज किया जाने लगा। तो पहले वाले फ्लॉपी डिस्क का नाम कंप्यूटर सिस्टम में ए ड्राइव रख दिया गया था, उसके बाद एक दूसरा ड्राइव आया यानी दूसरा फ्लॉपी डिस्क आया जिसका नाम बी रख दिया गया, इसलिए इन फ्लॉपी डिस्क का नाम ए और बी रख दिया गया। यानी जो पहले आया था उसे ए रख दिया गया, उसका जो बाद में दूसरा फ्लॉपी डिस्क आया था उसे बी नाम रख दिया गया। तो इन फ्लॉपी डिस्क को उस वक्त एक ड्राइव की तरह यूज किया जाता था, लेकिन इन फ्लॉपी डिस्क में कुछ लिमिटेशन थी यानी कुछ खामियां थी, जैसे कि आप इन फ्लॉपी डिस्क में ज्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकते थे। इसके साथ ही फ्लॉपी डिस्क में आप जो भी डेटा स्टोर करते थे वो ज्यादा सिक्योर नहीं होता था, यानी आपका फ्लॉपी डिस्क कभी भी खराब हो सकता था। तो फ्लॉपी डिस्क की इन्हीं सभी खामियों की वजह से एक नया ड्राइव सामने आया जिसे हम आज के समय में हार्ड डिस्क या फिर हार्ड ड्राइव कहते हैं। हार्ड डिस्क में आप ज्यादा से ज्यादा डेटा को स्टोर कर सकते हैं या फिर इसमें आप जो भी डेटा सेव करते हैं वो काफी हद तक सेफ रहता है। अब इस ड्राइव को भी कंप्यूटर सिस्टम में एक नाम देना होगा जिसका नाम सी ड्राइव रखा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि ए और बी ड्राइव तो पहले ही फ्लॉपी डिस्क 1 और फ्लॉपी डिस्क 2 के लिए रिजर्व हो चुका है, तो वो नाम आप इस ड्राइव को दे नहीं सकते, इसलिए ए और बी के बाद जो नेक्स्ट अल्फाबेट आता है वो आता है सी ड्राइव, इसलिए इस ड्राइव का नाम सी ड्राइव रखा गया। यानी इसमें आप जो भी विंडो इंस्टॉल करोगे वो हमेशा सी ड्राइव में ही इंस्टॉल होगा, क्योंकि ए और बी ड्राइव तो पहले ही फ्लॉपी डिस्क 1 और फ्लॉपी डिस्क 2 के लिए रिजर्व हो चुका है। हालांकि आजकल फ्लॉपी डिस्क का यूज बिल्कुल भी नहीं किया जाता, लेकिन आज भी कंप्यूटर सिस्टम में उन फ्लॉपी डिस्क के लिए जगह रिजर्व है, इसलिए जो भी आप अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप में विंडो इंस्टॉल करते हैं वो हमेशा सी ड्राइव से इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि ए और बी जगह पहले से ही फ्लॉपी डिस्क 1 और फ्लॉपी डिस्क 2 के लिए रिजर्व हो चुका है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप में किसी भी ड्राइव का नाम ए और बी यूज नहीं कर सकते तो ये आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप में किसी भी ड्राइव को ए और बी लेटर असाइन करना चाहते हैं तो वो सब आप कंप्यूटर में मैनुअली कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर में हमेशा ड्राइव का नाम सी से ही स्टार्ट क्यों होता है, ए और बी से स्टार्ट क्यों नहीं होता, और जो भी हम विंडो इंस्टॉल करते हैं वो हमेशा सी ड्राइव में ही क्यों इंस्टॉल होता है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, और यदि आपके मन में कुछ भी सवाल हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके पूछें। और अगर आप न्यू है और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो के जस्ट नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, उस पर सिंपली क्लिक करके आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर दबा के लेटेस्ट वीडियोज की जानकारी पा सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।